हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज प्राची देवांगन। मेरे चैनल का नाम है प्राची टेंथ हिंदी क्लास। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पाठ 6.2 का एक था पेड़ और एक था ठूठ। कन्हैयालाल मिश्र इसके लेखक हैं। तो जीवन परिचय देख लेते हैं। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हिंदी के जाने माने निबंधकार हैं। इन्होंने राजनीतिक और सामाजिक जीवन से संबंध रखने वाले कई निबंध लिखे हैं। इन्होंने भारत के स्वाधीनता आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, जिसके कारण कई बार इन्हें जेल भी जाना पड़ा। वस्तुतः साहित्य के माध्यम से प्रभाकर जी गुणों की खेती करना चाहते थे और अपनी पुस्तकों को शिक्षा के खेत मानते थे, जिनमें जीवन का पाठ्यक्रम था। वे अपने निबंधों को विचार यात्रा मानते थे और कहा करते थे कि इनमें प्रचार की हुकार नहीं, सच्चे मित्र की पुकार है, जो पाठक का कंधा थपथपाकर उसे चिंतन की राह पर ले जाती है। उनका मुख्य कार्यक्षेत्र पत्रकारिता है। ये ज्ञानोदय के संपादक भी रहे। इनकी प्रमुख रचनाएं जिंदगी, मुस्काई, माटी हो गई, सोन, दीप जले, शंख बजे आदि हैं। इनका शब्दार्थ हम एक बार देख लेते हैं। चरितार्थ यानी घटित होना, कृतार्थ किसी पर उपकार करना, देहयष्ठी शारीरिक सौष्ठव, रपटी रपटती फिसली फिसलती हुई अड़ियल, औचित्य जो उचित हो, ठीक हो, जीवंत जीवन युक्त, पन पा कुंपल फूटना, नए पत्ते निकलना, फुंगल फुंगी, ठूठ सूखा पेड़, जड़ता स्थिरता जिसमें कोई हरकत ना हो, समाधान हल समन्वय विरोधी चीज़ों को मिलाना, दोनों में तालमेल बिठाना। इसका एमपी क्वेश्चंस देख लेते हैं पार्ट से। पहला है, बांझ के हरे भरे पेड़ और ठूठ के माध्यम से लेखक को क्या कहना चाहते हैं। बांझ का हरा भरा पेड़ जो हवा के झोंकों के साथ हिलता डुलता रहता है, वैसे ही मनुष्य को भी समन्वयवादी और समझौतावादी होना चाहिए, अर्थात जो परिस्थितियां अनुरूप अपने आप को ढाल सके। दूसरी ओर ठूठ के माध्यम से लेखक कहना चाहते हैं कि हमें अपने आदर्शों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, अपने सिद्धांतों और आदर्शों को कायम रखना चाहिए। दूसरा एमपी क्वेश्चन है, हमारे विचार लचीले और समन्वयवादी क्यों होने चाहिए। ठीक है, हमारे विचार लचीले और समन्वयवादी इसलिए होना चाहिए कि जीवन भर तनाव से दूर और खुशहाल रहना चाहते हैं, तो जितनी जल्दी हो सके संगीत से रिश्ता कायम कर लीजिए। कहने का मतलब है, अगर आप संगीत सुनना पसंद करेंगे तभी आप खुश रह पाएंगे और लचीले और समन्वयवादी हो पाएंगे। नेक्स्ट मोस्ट एमपी क्वेश्चन है, तानाशाही क्या है, तानाशाही की जीवन शैली कैसी होती है। तानाशाही उदाहरण परमा सत्तावादी व निरंकुश, एक ऐसा शासक जो बिना किसी वंशानुगत उद्गम के किसी राष्ट्र का एकमात्र शासक होने के साथ साथ समस्त राष्ट्रीय शक्तियों का धारक भी होता है, वो तानाशाही कहलाता है। तो इसी के साथ